इस वीडियो में आप लोग साइक्लोएल्केन के नामकरण को अध्ययन करेंगे। साइक्लोएल्केन के बारे में आपको बता दूं कि साइक्लोएल्केन को पिछली वीडियो में आपने समझ लिया है। साइक्लोएल्केन का मतलब कार्बन परमाणु अगर आपस में मिलकर एक श्रृंखला का निर्माण कर ले तो ऐसे यौगिक को साइक्लो यौगिक कहते हैं, चक्रीय यौगिक कहते हैं। अगर उसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में एक बंध है तो उसे हम साइक्लोएल्केन कहते हैं, जिसे आप पढ़ चुके हैं। अगर इसमें दो बंध हो गया तो ऐसे यौगिक को हम साइक्लोएल्कीन पढ़ते हैं, मतलब ऐसे चक्रीय यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में दो ही बंध होता है उसे हम साइक्लोएल्कीन कहते हैं। साइक्लोएल्कीन में अगर हम नामकरण कर रहे हैं तो जो हमारा कार्बन कार्बन दुई बंध है इसे वन और टू गिनती देना अनिवार्य है। मतलब अगर इस सिरे पर मैंने वन लिख दिया तो दो यहाँ पर लिखना ज़रूरी है, मैं दो यहाँ नहीं लिख सकता, या मैं यहाँ पर एक लिख दिया तो मुझे दो यहाँ लेना ज़रूरी है। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है साइक्लोएल्केन में उसे वन और टू नंबर देना आवश्यक होता है। अब मैं आपको कुछ यौगिकों का उस साइक्लोएल्केन का नाम आपको बता रहा हूँ, इसे आप ध्यान से समझिएगा और इस पूरी वीडियो की श्रृंखला को आप नोटबुक बना के लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। पहले मैं, आप लोग जानते हैं कि साइक्लो यौगिक छोटी सी श्रृंखला तीन कार्बन की होती है, तीन से छोटे कम कार्बन है तो श्रृंखला बना ही नहीं सकते। तो सबसे छोटा यौगिक तीन कार्बन का बनता है साइकिल, इसमें यहाँ पर कार्बन कार्बन पर होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन, इसका नाम होगा साइक्लो, तीन कार्बन है, प्रोपीन आप लोग जानते हैं डबल बॉन्ड के लिए लास्ट में ईन वर्ड आता है, केवल इसमें साइक्लो ही बढ़ रहा है क्योंकि ये जो कंपाउंड है वो साइक्लिक है, चक्रीय, साइक्लो वर्ड बढ़ जा रहा है। अब आप देखिए इसका नाम तो साइक्लोप्रोपीन हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर एक मेथिल समूह लगा दूं, एक मेथिल समूह इसमें लगा दूं तो यहाँ से मैं काउंटिंग करूँगा 1, 2, 3। जब इसमें कोई समूह नहीं था, एक ही डबल बॉन्ड था, तो मुझे डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब इसमें एक समूह आ गया, एक साइड चेन आ गई, तो अब मुझे काउंटिंग करना ज़रूरी है। तो इसका नाम हो जाएगा 1-methyl, इसके बाद साइक्लो प्रो 1-ईन, 1-methyl साइक्लो प्रो 1-ईन, मुझे डबल बॉन्ड की पोजीशन को इसमें बताना है। अब देखिए जो ये मेरा मेथिल ग्रुप है, अगर मैं इसको यहाँ भी करूँगा तो भी वही नाम होगा, तब मैं काउंटिंग को यहाँ से शुरू। लेकिन अगर मैं इस मेथिल समूह को यहाँ पर कर दूं तो क्या होगा, 1, 2, 3। मुझे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देनी है, वरीयता देनी है, तो मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास से गिनती को शुरू करूंगा। और ये मैंने पहले बता दिया है, एक सिरे पर 1 लिख दे फिर सिरे पर 2 लिखना ज़रूरी होता है, ये 3 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3-methyl साइक्लो 3-methyl साइक्लो प्रोप 1-ईन, 3-methyl साइक्लो प्रोप 1-ईन। अब मैं आपको
चार कार्बन के नाम को बता रहा हूं। इसका नाम साइक्लोब्यूटीन। चार कार्बन है, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। साइक्लो ब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन। लेकिन अगर इसमें मैं इस जगह पर मिथिल समूह लगा दूं तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, क्या हो जाएगा? 1,2-डाई मिथिल, 1,2-डाई मिथिल साइक्लो ब्यूट वन इन 1,2-डाई मिथिल साइक्लो ब्यूट वन इन। अच्छा, एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए। अगर मैं डबल बॉन्ड को यहां लगा दूं तो क्या हो? काउंटिंग तो मुझे डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देगी करने। 1, 2, 3, 4 हो जाएगा तो मैं यहां से करूंगा। 1, 2, 3, यहां से करने से इसको 3 मिलेगा, यहां से करता तो इसको 4 मिलता। इसका नाम हो जाएगा 3-मिथिल साइक्लो ब्यूट वन इन। इसका नाम हो जाएगा 3-मिथिल साइक्लो ब्यूट वन इन। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे चार कार्बन के साइक्लोब्यूटीन के लिए। अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ जो कि काफी अच्छे हैं। 6 कार्बन का मैं लेता हूँ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दो, यहाँ पर मिथिल, यहाँ पर एथिल। अब देखिए यहाँ पर भी अगर आप काउंटिंग करते हैं तो मुझे काउंटिंग को, मैंने आपको बता दिया है कि डबल बॉन्ड को मुझे वरीयता देनी है। यहाँ से करूँगा तो 1, 2, 3, 3 पर एथिल मिलेगा जो कि ई से लिखा जाता है। यहाँ से करता 1, 2, 3, 3 पर मेथिल मिलता तो मैं जो काउंटिंग किया हूँ ये काउंटिंग मेरी सही है क्योंकि एथिल को न्यूनतम पोजीशन मिल रही है। और 4, 5, 6 क्या हो जाएगा? 3 एथिल, इसके बाद 6 मेथिल साइक्लो हेक्स वन ई, साइक्लो हेक्स वन ई। ये लाइन में लिखना चाहिए था लेकिन मुझे लग रहा है कि ये चीजें कैमरे में नहीं आएंगी इसलिए इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। उसके लिए आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। ये आपको मैंने समझा दिया कि मैं यहां से भी काउंटिंग कर सकता था। 1, 2, 3, अगर मैं 3 पर मेथिल लेता तो 6 पर एथिल मिलता, लेकिन मैं अल्फाबेटिकली देख रहा हूँ एथिल ई से पर ई से है, मेथिल एम से है। तो मैंने आपको बताया है कि मुझे ऐसी कंडीशन में एथिल को वरीयता देनी है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। अब आप कुछ और भी यौगिकों के नाम को देखिए जिसको मैं मिटा दे रहा हूँ। आप अगला क्वेश्चन देखिए, साइक्लोहेक्सीन का ही मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। ये आपकी साइक्लोहेक्सीन है, मैं यहां पर एक मेथिल ग्रुप लगा दूं, इसका नाम हो जाएगा। अब देखिए इसमें मैं, यहां पर मेरा डबल बॉन्ड भी है, यहां पर मुझे एक साइड चेन भी मिल रही है, क्या मेरा नाम हो जाएगा 1-मेथिल
साइक्लो हेक्स वन इन वन मेथिल साइक्लो हेक्स वन इन। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगर मैं यहां पर भी लगा दूं मेथिल तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तब इसका नाम हो जाएगा 1,2-dimethyl cyclohex 1-ene। आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन अगर मैं साइक्लोहेक्सीन में मेथिल ग्रुप तो क्या होगा, यहाँ से तो मैं काउंटिंग करूँगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बज जाएगा, तो मुझे काउंटिंग यहाँ से शुरू करनी चाहिए। तो क्या नाम हो जाएगा, 3-methyl cyclohex 1-ene। इसका नाम हो जाएगा 3-methyl cyclohex 1-ene। और भी मैं कुछ आपको नाम साइक्लोएल्कीन का बता दे रहा हूं। अगर इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है और इसमें ज्यादातर इस क्वेश्चन को मैंने देखा है, ट्राई किया है, गलत कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर काउंटिंग कहाँ से शुरू की जाए, यहाँ से और यहाँ से, दो ही जगह शुरू करने की है। लेकिन अगर यहाँ से मैं करूँगा तो साइड चेन मुझको न्यूनतम पोजिशन मिलेगी, तो यहाँ 1 लिख दिया तो यहाँ पर 2 लिखना जरूरी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका नाम हो जाएगा 1,6-dimethyl cyclohex 1-ene। तो इस क्वेश्चन को आप ढंग से समझ लीजिएगा, मुझे काउंटिंग को यहां से करनी है, यहां से नहीं करनी, क्योंकि यहां से जब मैं करूंगा तो डबल बॉन्ड तो भाई यहाँ से भी वन पे यहाँ से वन मिलेगा, लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पे जो साइड चेन है मेथिल समूह उसको न्यूनतम पोजीशन मिल रही है, इसलिए यहाँ से करना ज़्यादा बेहतर है और ये नाम इसका सही नाम है। अब मैं आपको कुछ ऐसे साइक्लिक यौगिकों के बारे में, साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बता रहा हूँ जिसमें डबल बॉन्ड दो बार आता है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड दो बार आता है तो ब्यूट के स्थान पर ब्यूटा, पेंट के स्थान पर पेंटा, हेक्स के स्थान पर हेक्सा लिया जाता है। तो जैसे आप इसका नाम देखिए, इसका नाम, इसमें डबल बॉन्ड किसी को बता दीजिए 1, 2, 3, 4, 5। आप देख रहे हैं 6 कार्बन की साइक्लिक एल्कीन है, तो साइक्लिक के लिए साइक्लो तो लगेगा ही, 6 कार्बन के लिए हेक्स आएगा, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड दो बार आया तो हेक्सा आएगा। फिर 1,4 डबल बॉन्ड की पोजीशन है डाई इन, इसका नाम हो जाएगा। यौगिक चक्री है तो साइक्लोवैड आता है, साइक्लो फिर हेक्सा, इसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ 1,2 बीच में या 4,5 के बीच में, तो 1,4 लिया जाएगा। फिर इसके बाद डबल बॉन्ड दो बार है तो डाईन लिया जाएगा, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाईन। एक नाम और देख लीजिए, ये काफी अच्छा नाम है, मैं
डबल बांड को यहां और यहां दे ले रहा हूं। अब देखिए मैं काउंटिंग कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें भी कार्बन की संख्या 6 ही है, लेकिन डबल बांड 1 और 3 पर है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सा, साइक्लो हेक्सा 1, 3 डाई ई। तो शायद आपको साइक्लिक डाइन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं जो कि एक नई चीज है, इसके पहले मैं दूसरी या तीसरी वीडियो में आपको एल्किनाइल के बारे में बताया था। एल्किनाइल में क्या होता है कि मुख्य श्रृंखला से जो हमारा यौगिक होता है, जो हमारा पार्ट श्रृंखला होती है, वो सिंगल बॉन्ड जुड़ती है। लेकिन अगर हमारी पार्ट श्रृंखला डबल बॉन्ड से जुड़ जाए मुख्य श्रृंखला से, तो उसे हम क्या कहेंगे? अगर हमारी जो साइड चेन है वो मुख्य श्रृंखला से डबल बॉन्ड जुड़ी है, तो उसे कहते हैं एल्किलीडीन, इसे कहते हैं एल्किलीडीन, एल्काइलीडीन। जैसे आपको मैं एग्जांपल समझा दूं, अगर यहां पर डबल बॉन्ड CH2 हो तो इसे हम मेथिलीडीन या जनरली मेथिलीन ही कहते हैं, मेथिलीडीन या मेथिलीन कहते हैं। तो इस समूह को हम कहेंगे मेथिलीडीन या इसको मेथिलीन भी कहते हैं, मेथिलीन। इसके बाद आप देखिए, अगर ये मेथिलीन है तो ये हमारा हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो इसका जो नाम हो जाएगा, ये तो मैंने इस समूह के बारे में बताया, इसका जो नाम होगा ये हो जाएगा मिथिलीन, मिथाइलीन, साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम होगा मिथाइलीन साइक्लोहेक्सेन या मिथिलीडीन साइक्लोहेक्सेन। इसे ज्यादातर इसको मिथिलीन ही लिखते हैं, मिथिलीन साइक्लोहेक्सेन। इस टाइप के एक आध और क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब देखिए इसमें दो कार्बन है, इसे हम क्या लिखेंगे, एथिलीडीन साइक्लोहेक्सेन। इसमें दो कार्बन, इसका नाम हो जाएगा एथिलीडीन, डीन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का मतलब इसमें 6 कार्बन खींचेंगे साइक्लोहेक्सेन। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिसको मैंने आप लोगों को कराए हैं, और कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं, उसको मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगा।